A container filled of milk and water mixture contains 75% milk. 5 liters of this mixture are replaced by water. Next 10 liters of the mixture is replaced by water. If the final percentage of milk in the container is 54%, find the initial quantity of the mixture in the container. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कंटेनर था जिसमें इनिशियली जो ओरिजिनल था वो मिल्क कितना है 75% है और वाटर कितना था ऑफकोर्स 25% है. दो रिप्लेसमेंट के बाद आपने फर्स्ट रिप्लेसमेंट किया है -5 और सेकेंड रिप्लेसमेंट किया है -10 और वो किससे किया है वाटर से और जो फाइनल मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन है वो मिल्क का कितना रह गया है 54% और वाटर का कितना हो जाएगा ऑफकोर्स 46%. आपको इस मिक्सचर का ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना है. तो अगर आप रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट मेथड का यूज करोगे तो यहां पे टू डिफरेंट रिप्लेसमेंट है. अगर सेम रिप्लेसमेंट हो तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट इनटू 1 माइनस पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इनटू द पावर एन. ये मैंने इसका लिंक आई बटन में दे दिया, वहां पे जाकर आप देख सकते हो. यहां पे अगर आप मिल्क की बात करोगे तो मिल्क इनिशियली था 75%, फाइनल मिल्क कितना रह गया है वो है 54%. तो इसमें मिल्क के बेसिस पे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट यूज कर दो तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट क्वांटिटी कितना है 54%, स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितना था 75% और इसमें आपने दो रिप्लेसमेंट करा है तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस फर्स्ट में था 5 लीटर का तो आप 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे x, सेकंड में क्या लिखोगे 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय x. ठीक है, यहां से परसेंटेज से परसेंटेज ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 54 डिवाइडेड बाय 75 और ये इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 5 बाय x इंटू 1 माइनस 10 बाय x. थोड़ा सा रीअरेंज करोगे बच्चे तो यहां से 3 से ये 18 आ जाएगा और 3 से ये 25. इट मीन्स इस टर्म का जो वैल्यू है वो होगा 18/25. अब यहां पे एक की पॉइंट है, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और उसके बाद आंसर लाओ और नहीं तो आईक्यू का यूज करो, कॉमन सेंस का यूज करो. थोड़ा सा एलसीएम ले लो तो आप क्या लिखोगे एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है 18 अपॉन, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 है. इट मीन्स ये वाला जो फैक्टर है वो जो भी वैल्यू होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा और अगर x इजल टू 5 रखोगे तो ये न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर x इजल टू 10 रखोगे तो ये न्यूमिनेटर 0 है तो 5 और 10 तो होगा नहीं, लेकिन जब कभी भी वैल्यू होगा तो 5 के फैक्टर में सिंस कैंसिल आउट होने के बाद ये वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए 25 के. तो लेट से आपने 25 ही रख लिया, 25 अगर x का वैल्यू अगर एज्यूम करो 25 लिख दो तो न्यूमिनेटर में क्या मिलेगा 20 बाय 25 इंटू क्या मिल जाएगा 10 अपॉन 25. 5 से ये 4, 5 से ये 5, 5 से ये 3 और 5 से ये 5, तो ये वैल्यू आ रहा है 12/25. इट मीन्स x इक्वल टू 25 तो वैल्यू नहीं होगा, तो वो वैल्यू होगा उससे ज्यादा ही होगा. तो लेट्स से आप x इक्वल टू 50 ले रहे हो तो x इक्वल टू अगर 50 लोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू आप क्या लिखोगे 50 माइनस 10 डिवाइडेड अपॉन 50. अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 45 अपॉन 50 इंटू 40 अपॉन 50. ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से ये 9, 5 से ये 10, 2 से 2 और 2 से ये 5, तो अल्टीमेटली ये मिल जाएगा आपको 18 अपॉन 25 जो कि यही राइट साइड में है. तो x का वैल्यू कितना होगा और वो होगा 50 लीटर. अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ऑप्शंस के थ्रू आप इजीली प्रोसीड कर सकते हो, नहीं तो आप हिंट कैसा लोगे वो डिपेंड करता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.